मेवात के नीमका में बौर की छटाई के वक्त दम घुटने से हुई चार मौतों से अभी भी मातम बना हुआ है। परिजनों के साथ दुख में शामिल होने नीमका पहुंचे जमियते उलेमा और डीसी शक्ति सिंह व एसपी नरेंद्र बिजारनिया शनिवार दोपहर करीब 1 बजे 45 वर्षीय जमशीद गांव के ही किसान हन्नी के बोरवेल की छटाई करने बौर में उतरा था। जैसे ही उसका दम घुटने लगा तो उन्होंने अपनी जान बचाने के लिए शोर मचाया तो हन्नी का लड़का साहिब जमशीद की जान बचाने के लिए बोर के अंदर उतर गया, जिसके बाद दूसरों की हमदर्दी में जान बचाने के लिए अपनी जान की परवाह ना करते हुए एक के बाद एक ने इस दुनिया से अलविदा कह दिया। शनिवार देर शाम के बाद चारों शवों का सुपुर्दे खाक किया गया। मृतक परिजनों के दुख में शामिल होने नीमका पहुंचे डीसी शक्ति सिंह ने कहा कि सरकार की तरफ से परिवार वालों की मदद की जाएगी। उन्होंने कहा कि यह हादसा मेवात का सबसे बड़ा हादसा है, एक साथ चार लोगों का चला जाना अपने आप में बहुत ही बड़ी दुखद घटना है। डीसी शक्ति सिंह ने राहत कोष से भी मदद करने की बात कही है। पूरी पुलिस बल के साथ दुख में शामिल होने नीमका पहुँचे डीसी शक्ति सिंह, एसपी नरेंद्र बिजारनिया, डीएसपी शमशेर सिंह, नायब तहसीलदार कंवर लाल, एसएचओ अजयवीर भड़ाना, विधायक इलियास मोहम्मद व इकबाल जेलदार ने मृतकों के परिजनों को डीसी शक्ति सिंह से सहायता प्रदान करने की अपील की है। जमीयत उलेमा महासचिव मौलाना याह्या करीमी ने सभी किसानों से अपील करते हुए कहा कि सिंचाई का सीजन आने वाला है, बोरों की सफाई की जा रही है, इसलिए बोर में उतरने से पहले बोर की कुंडी को किसी आग या नीम की डाली डालकर पता कर लें कि बोर की कुंडी में गैस तो नहीं बन रहा है। जमियत उलेमा मरने वालों के परिवार की हर संभव मदद करेगी। मृतक जमशीद के बच्चों को तालीम हासिल कराना की जमियत उलेमा की पूरी कोशिश रहेगी। वहीं दो लड़कियों की शादी में भी पूरी मदद की जाएगी। ज़रूरत के मुताबिक परिजनों की हर संभव मदद की जाएगी। नीमका पुनाना से मोहम्मद असलम की रिपोर्ट।